तो गाइस आप देख सकते हैं ये फ्रेडरिक भाई ने कैसा फार्मूला बनाया है, आप देख सकते हैं ये सामने ही ये बल्ब की मदद के साथ और ये मैजिक ट्यूब अंदर लगाई है। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो सो गाइस आज का व्लॉग शुरू करते हैं कुछ इस तरह। तो सो गाइस आज का जो व्लॉग है वो है बड़ा ही सिंसियर व्लॉग, क्योंकि हम लोगों की फ्रिज जो है वो ख़राब हो चुकी है। वो इस वजह से ख़राब हुई है कि मेरी मिसेस ने रात को फ्रिज के साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की, बहुत ज़्यादा ज़्यादती की, और जिसकी वजह से हमारी फ्रिज आज ख़राब हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसकी वजह क्या, क्या थी वजह उसकी, हाँ आपको बताता हूँ क्या वजह है। आप ऐसे नहीं बता मुझे, मैं आपको वजह बता रहा हूँ। देखिए तो गाइस गाइस मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं इनको ये बता रहा था कि मैं रात को सो गया था, मैंने बोला छोड़ दो ये खुद ही पिघल कर मेल्ट होकर नीचे आ जाएगी पानी की तरह। तो कह रही नहीं नहीं, फिर मुझे नहीं पता मैं सो गया। फिर मेरी वाइफ ने इसके साथ ऐसे जो तो जो है स्ट्रगल की कि बर्फ़ किसी तरीके से निकल जाए, तो रात में मैं बर्फ़ रख दूँ उसके अंदर। और गाइस ये आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे जो एक छोटा सा स्पॉट ये दे सकते हैं, ये लगा है और इसमें से गैस और सारी वो लीकेज होना शुरू हो गई थी, और अचानक से मैं भी डर गया, मेरी मिसेस भी डर गई ये क्या होना शुरू हो गया था। तो फिर जब मैंने देखा तो मैंने बोला हो नो नो। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जिन लोगों ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे यहाँ पे लिखने के लिए। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है डू नॉट यूज शार्प ऑब्जेक्ट टू रिमूव आइस, यूज़ कंपनी प्रोवाइड प्लास्टिक स्पैचुला। जो हमारे जो कंपनी ने एक स्पैचुला दिया होता है उससे हम लोग कर रहे थे, मगर उसी से भी ये सुराख हो गया था। तो भी सेफ आप लोगों को भी एहतियात के साथ कीजिएगा जो भी इसको साफ़ करे फ्रिज को। और ये देख सकते हैं ये निशान है, ये है फ्रिज का निशान, ये आपको दिखाता हूँ, ये रहा ये निशान लगा। ये किसी छुरी कांटे से नहीं हुआ, ये उसी स्पैचुला से हुआ है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए ये फ्रिज का है। तो ये मेरी मिसिस ने बिल्कुल ही इस तरह मारी थी यूं करके ना, तो ये अचानक लग गया, उसको भी नहीं पता था। तो आई कोई बात नहीं है, तो हमने फ्रिज वाले को तो कॉल कर दी, इसको बुला लिया घर पर, तो वो आएंगे अभी 11:30 बजे तक। तो पहले 10 बजे का टाइम दे रहा था, वो कह रहे थे हो ना अभी तो 10:30 हो चुके हैं, तो हो सकता है 11 बजे तक आ जाए। तो जैसे ही वो आ जाएंगे फिर उसको हम लोगों ने बुलाया, तो उसने देखा तो उसने बोला कि यार ये थोड़ा सा मसला है, तो इसको मैं अभी रिफ़्रेश करके इसकी गैस को सारी निकाल कर उसको दोबारा इसको मैजिक के साथ इसको कवर करूँगा, और फिर कंप्रेसर को भी निकालेगा, वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा मैं। तो सो गाइस आप देख सकते हैं फ्रेडरिक भाई आ चुके हैं फ्रिज बनाने के लिए, और इतने फ्रेडरिक भाई अपना काम शुरू कर दिया है। फ्रिज को हम लोगों ने बाहर निकाला है और ये देख सकते हैं सामने ये रिसर्कल के लिए हम रिवॉश करेंगे, जितनी अंदर गैस उसको रिवॉश करके फिर दोबारा से इसको इसके अंदर गैस डिलीवर करेंगे। जैसे जैसे ये काम होता रहेगा आपको जरूर दिखाता रहूँगा, और फ्रेडरिक भाई से भी आपको मिलाऊंगा जरूर। तो गाइस आप देख सकते हैं सामने ये भी फ्रेडरिक भाई को गैस निकालेंगे, आप देख सकते हैं ये है मैजिक बोलो भाई अभी। तो गाइस आप देख सकते हैं ये सामने अभी जी चलना स्टार्ट हो गया ना, चलना स्टार्ट हो गया है। फ्रेडरिक भाई अभी फ्रिज को ऑन किया है, और ये फ्रेडरिक भाई हमारे ये 1981 से ये काम कर रहे हैं, काफ़ी अर्सा हो गया देखिए इस चीज़ को काम करते हुए, हमारी पैदाइश से भी पहले का काम कर रहे हैं जी। तो हमें उस वक्त पता भी नहीं होगा जी। तो आप ये देख सकते हैं ये फ्रेडरिक भाई है, फ्रेडरिक भाई ज़रा आए करना, ज़रा आए करें। और ये फ्रेडरिक भाई, फ्रेडरिक भाई अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे कब से ये काम कर रहे हैं इस फील्ड में। अल्लाह का शुक्र है कि इसकी इस फील्ड में मैं 1981 से काम कर रहा हूँ, 81 से काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने ऑयल फील्ड में काम किया है, दुबई मस्कत ईरान काम किया है, इसी फील्ड में इलेक्ट्रिकल फील्ड में और ऑयल फील्ड में।
और इस फील्ड में 1981 से हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। आप देखिए, आपने फैट्रिक, मैंने आपको बताया इस तरह अपने बारे में कि ये बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, तो हमें भी किसी से ये नंबर लिया अपने चाची से, तो फिर हमें जाके फैट्रिक भाई का ये नंबर मिला, तो फैट्रिक भाई फिर हमारे घर पे आए, तो बहुत अच्छा लगा ये हमारे घर पे आए काम करने के लिए। तो घर पे काम करवाने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि आपके सामने ये काम हो रहा होता है ये घर के। तो आप जब भी किसी को बुलाएं अपने घर पे काम करवाने के लिए बुलाइएगा। अगर बाहर आप स्टोर में कहीं आप दुकान में ले जाएंगे तो आपकी फ्रिज का कुछ पता नहीं है क्या हो सकता है, वहाँ पे आपके फ्रिज के साथ कुछ भी हो सकता है। तो बराए मेहरबानी करके अपने घर में आके ये काम करवाएं, किसी को हायर कर लें तो यहीं पर अपने घर के अंदर ही काम करवाना। ये देख सकते हैं अभी गैस रिफिल हो रही है, बैटरी भाई बार बार देख रहे हैं फ्रिज को, बार बार ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये खासियत होती है अपने काम की कि वो अपने काम को पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। ये है वैक्यूम पंप, इससे क्या होता है, इससे जो भी हवा नमी कचरा ये लीक टेस्ट करने के लिए होता है, लीक टेस्टिंग का यूनिट है। देख सकते हैं ये फैटी भाई आपको जो बता रहे हैं, ये मेरा हाथ में बना हुआ है, ये फैटी भाई के खुद बनाया है इटसेल्फ, ये खुद गाइस ये देख सकते हैं फ्रिज कैसे धुएं निकल रहे हैं फ्रिज में से, सही है। ये फ्रिज पूरी कंप्लीट हो चुकी है, ये था जो फार्मूला अप्लाई किया था फैटी भाई ने, नीचे भी कूलिंग हो रही है, नीचे भी दिखा सकते हैं, देखें वो कूलिंग होना शुरू हो गई। वाह फैटी भाई, बहुत बहुत आपका शुक्र है। दोस्तों गाइस फाइनली हमारी फ्रिज जो है वो बन चुकी है, हम फैट्रिक भाई का बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे घर पे आए हमारी फ्रिज बनाने के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वेलकम कि इन्होंने आज हमारी फ्रिज कंप्लीट की, बन चुकी है। तो हम बहुत जीसस से और खुदावन का बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारी फ्रिज ठीक होगी। थैंक यू सो मच, यू मोस्ट वेलकम। हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमें ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।